गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आइए आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं CS News। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। बिहार सरकार ने माइनिंग इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड, अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे थे अधिकारी। अवैध खनन को रोकने के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में राज्य सरकार ने एक लापरवाह अधिकारी के ऊपर एक्शन लिया है। बिहार सरकार ने रोहतास जिले के अवैध खनन को रोकने के लिए इंस्पेक्टर को मोहम्मद रियाजुल हक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अलावा विभाग ने FIR करने का भी निर्देश दिया गया है। किसानों ने कृषि पदाधिकारी को जमकर पीटा, मोदी का भाषण सुनने के दौरान नाश्ता नहीं होने की व्यवस्था पे भड़क गया गुस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों के संवाद कार्यक्रम में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच गया जब किसानों ने बेगूसराय में कृषि पदाधिकारी की जमकर पिटाई कर दी। प्रखंड कृषि कार्यालय में किसानों के चाय पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों का गुस्सा भड़क उठा। PMCS में खाली होने लगा बेड, हड़ताल के कारण नहीं हो पा रहा इलाज। बिहार के लिए बड़े सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए जगह नहीं मिलता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि मरीज खुद ही यहां से लौट के जा रहे हैं। भर्ती परिजन भी उनके परिजन दूसरे हॉस्पिटल में इलाज के लिए जा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट में बैठक खत्म, नए नगर पंचायत परिषद नियम को मिली मंजूरी। बिहार सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की मुख्य महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो चुकी है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में केवल एक एजेंडे पर मुहर लगी है। राज्य में नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़े नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निकाय और नगर निगम के गठन को सरकार ने मंजूरी दे दी। बिहार में मिले कोरोना के 474 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 25,450। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी कर दी गई है। इस अपडेट के मुताबिक राज्य में 474 लोग कोरोना के नए मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 25,450 हो गई है। बिहार में फिलहाल 5,821 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। बीजेपी ने नीतीश की कमजोर नस को दबाया, 1.5 दशक से जमे आमिर सुबहानी को गृह सचिव पद से हटाने की मांग। बिहार में 40 दिन पहले जब NDA सरकार ने शपथ ली तब उस वक्त तय हो गया था कि गवर्नेंस के तौर पर तरीके में बीजेपी के इस बार नीतीश सरकार को फ्री हैंड नहीं देने वाली है। धीरे धीरे सरकार के एजेंडे में बीजेपी हावी नजर आने लगी और अब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की सबसे कमजोर नस को जब्त कर लिया है। पिछले 1.5 दशक से गृह सचिव पद पर जमे राज्य के वरिष्ठ IAS अधिकारी आमिर सुबहानी को हटाने की मांग को लेकर बैठक की। सेना के जवान की ट्रेन से कटकर मौत, जांच में जुटी पुलिस। सासाराम जिले में दर्दनाक हादसा सामने आया है। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सासाराम रेलवे स्टेशन के पश्चिम छोर पर ट्रेन से कटकर एक सेना के जवान की मौत हो चुकी है। जेल की सजा काटने के बाद भी घर नहीं लौटा कैदी, इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। भागलपुर के मायागंज में इलाजरत पूर्णिया सेंट्रल जेल के बंदी बांग्लादेश के मल्लिकपुर निवासी मोहम्मद तौफीक की मौत हो गई है। बंदी की मौत के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई। मजिस्ट्रेट की तैनाती के लिए पूर्णिया सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने भागलपुर DM और ADM को पत्र लिखा। पुलिस ने मारा आंगनबाड़ी केंद्र पर छापा, 62 पेटी अंग्रेजी शराब किया गया जब्त। बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी है, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले में कानून से बेख्वाब धंधेबाज कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे। जिले के पियर थाना क्षेत्र के मुटुनपुर गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र पर छापा मारी तो वही 62 पेटी अंग्रेजी शराब को जब्त कर ली है।
नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए, और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारे सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है, संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजे कराएं बुकिंग, संपर्क करें 8340371787 7325052437।